एक्चुअली आई नीड अ म्यूजिक, बट मेरा जो टैलेंट है लाइक मैं कविता लिखता हूँ, मैं सिचुएशंस पे कविता लिखता हूँ कि शायद कोई चल रहा होगा तो मैं देखता रहता हूँ और मैं उसी पे लिख देता हूँ कुछ भी. तो जब ये इंसिडेंट हुआ था, ये वाकया हुआ था, उस वक्त मैंने लिखा था ये चार शब्द, चार बातें मेरे फौजी भाई के लिए. मैं भारत का हूँ फौजी, लाइक इसका टाइटल ये. मेरा देश मेरी जान, मेरा देश मेरी शान, मेरा देश बहुत प्यारा, मेरा देश बहुत न्यारा. मैं भारत का हूँ फौजी, मैं दिल से हूँ मनमोजी. मैं बॉर्डर पर हूँ ताकि तुम सब चैन से यूँ सो सको. मैं बॉर्डर पर हूँ ताकि तुम कोई अपना ना यूँ खो सको. मैं बॉर्डर पर ही खुश हूँ क्योंकि धरती मेरी माँ है. मैं बॉर्डर पर ही खुश हूँ चाहे देनी पड़े मुझे जान है. मैं बॉर्डर पर ही खुश हूँ क्योंकि ये मेरा मान है. हम फौजी मरते नहीं, शहीद होते हैं, और ये हमारा सबसे बड़ा सम्मान है. आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पर लोग दिख रहे हैं. सो ये उन लोगों के लिए लाइक जो सोशल मीडिया पर फील कर रहे फाइन है, उन लोगों के लिए जो टेकिंग टकीला विद लाइम है, उन लोगों के लिए जो हैविंग अ सिप ऑफ वाइन है, और ये उन लोगों के लिए जो बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम इज़ नॉट माइन है, बट ये हमारे पूरे देश की प्रॉब्लम है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है. तो उस पर फौजी भाई कहता है कि आज आप चाहे मेरे गम में शामिल ना होए, मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरे देश का कोई भी बच्चा मेरे लिए रोए. मेरा धरती माँ की गोद में जाना मेरे लिए काफ़ी है. मेरी शहादत पे हंसने वालों, जाओ दी तुम सबको माफ़ी है. क्योंकि तुम समझ ना पाओगे मेरे इस दर्द को, क्योंकि तुम समझ ना पाओगे बॉर्डर पर खड़े उस मर्द को. तुम समझ ना पाओगे मेरी इस बात को, तुम समझ ना पाओगे उस कातिलाना रात को. मेरे रक्त का कतरा कतरा मेरे देश के नाम है. मैं बॉर्डर पर ही खड़ा रहूँगा क्योंकि फौजी और फौज में काम करना मेरा काम है. बहुत बहुत धन्यवाद.